सो हे एवरीवन वेलकम वेलकम बैक बैक टू राधिका क्लासेस तो अब डे आफ्टर टुमारो आपका मैथ्स एग्जाम हो रहा होगा इन पिछले 15 दिनों का जो आपको गैप मिला था जो एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट है उनको पंद्रह दिन का गैप मिला और जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनको पांच से छह दिन का गैप मिला और कुछ बच्चे तो ऐसे है जिनका कल फाइन आर्ट्स का एग्जाम है और इससे पहले दो दिन पहले उनका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ होगा तो भाई ये सभी के लिए स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी नहीं है यार एक ऐसी कॉमन चीज है जो बच्चा गलती करता है और मैं आपको बता दूं ब्बे परसेंट बच्चे अब वो गलती करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए देखो अब सारी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी होगी ऑलमोस्ट डन होगी जिनकी प्रिपरेशन नहीं होगी वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो अगर आपके कोई कंसेप्ट वीक है उस कंसेप्ट वीक कंसेप्ट काम करो मैं कुछ लिख के नहीं बताने वाला हूं आज आज सिर्फ मन की बातें बोलने वाला हूं यार अभी इंस्टाग्राम पे इतने सारे डीएम आ रहे थे यार सारों का यही था सर पी लगा लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर ये कर लिया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर वो कर लिया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर अब क्या करें एक दिन में पीवाई क्यूज आप तो देखो मैं खुद इतने नहीं करा रहा हूं मैं जहां तीन सेशन कंडक्ट करता था अब मैं यहां पे एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूं उसका रीजन मैं आपको बताता हूं आज मैं आपको बताऊंगा भी सेशन कम क्यों हो रहे हैं मैं आपको बताऊंगा भी हमने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इतने ज्यादा लगा लिए लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे हैं अभी भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक है तो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा देखो जो बच्चा 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना चाहता है ना तो उसके लिए भी ये टिप्स है जो बच्चा अभी उस ट्रैक पे खड़ा है भाई उसके आधे मार्क्स आ रहे हैं ट्वेंटी मार्क्स आ रहे हैं वो अपने मार्क्स को बूस्टअप करके थर्टी प्लस करना चाह रहा है और जो बच्चे अभी फिलहाल ये सोच रहे हैं सर पास कैसे हो स्ट्रेटेजी उनके लिए भी है कोई स्ट्रेटेजी नहीं है यार स्ट्रैटेजी में तो क्या होगा ये बोल देंगे आपको ये वीडियो देख लो फलाना देख लो वो देख लो वो कुछ नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा आपकी हेल्प कैसे करेंगे वीडियोस और आपको करना क्या कैसे अपने एक दिन को यूटिलाइज करना है सो दैट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स टी के लिए भी यही चीज है और थर्टी प्लस के लिए भी यही चीज है थर्टी फाइव प्लस के लिए भी यही चीज है ट्वेंटी प्लस के लिए भी यही चीज है ट्वेंटी फाइव प्लस लेके प्लस के लिए भी यही चीज है तो वो क्या चीज है ऐसी क्या चीज है जो हमें आने वाले एक दिन में करनी चाहिए दैट इज एन टी एनसीआर बुक जो हमारी एनसीआर टी है आ, अब उसकी इंटीग्रेशन की बात कर दो यार इंटीग्रेशन में सेवन पॉइंट वन इज क्वाइट इजी उसको दोबारा मत छेड़ना सेवन पॉइंट टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लो और फिर बता रहा हूं एनसीआर को सॉल्व कर लो एक बार दोबारा से आप कहीं मुझसे बोलेंगे सर हमने तीन बार कर रखी है सर हमने चार बार कर रखी है सबने एक बार कर रखी है NCRT, अब हम PYQs लगा रहे हैं मैं आपको आज रिटर्न में लिख के दे देता हूं आपका एट्टी परसेंट एग्जाम अगर आप कर जाते हो तो एट्टी परसेंट एग्जाम वहां से हो जाएगा एंड रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट अगर आपने एनसीआर को अच्छे कंसेप्ट वाइज क्लियर करके पढ़ाए तो आपके हंड्रेड परसेंट मार्क्स आने वाले हैं यार ये हम बोल देते हैं अभी एनसीआर से बाहर आएगा एनसीआर में सब कुछ लिखा गया है ली एक्सप्लेन इन दिनसीआर अगर आप एनसीआर टी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ के जा रहे हो ना तो आपके हंड्रेड परसेंट मार्क्स आने वाले और ये मैं गारंटी में लिख के दे सकता हूँ इस वीडियो पे कमेंट करके बताना एनसीआर आया था कि नहीं आया था पेपर उठा देख लो चाहे आप केमिस्ट्री का पेपर उठा के देख लो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर उठा के देख लो इफ यू आर फॉलोइंग एनसीआर चांसेस टू स्कोर हंड्रेड परसेंट मार्क्स बहुत हाई चांसेस उसके हंड्रेड पर स्कोर करने के यार इस में पांच सात मिनट जरूर रहूंगा तुम्हारे आ, लेकिन वो पांच सात मिनट आपके एग्जाम के लिए लास्ट डे प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ठीक है थीके? अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मिसलेनियस मिसलेनियस और विद विद जिसने उस एक्सरसाइज एक्सरसाइज के विद पूरी कर ली और उसके बाद सेवन पॉइंट इलेवन वो कंसेप्ट कर लिया देखो मिसलेनियस में हर एक्सरसाइज से कंसेप्ट के लगाया गया है चाहे वो बायपार्ट की बात की जाए चाहे वो पार्सल फ्रैक्शन की बात की जाए चाहे वो सेवन पॉइंट फोर के फॉर्मुला स्टैंडर्ड फॉर्मुला की बात की जाए

तो ये सारे क्वेश्चंस पढ़ जाते हो ना तो इनफ़ मोर देन इनफ़ है देनियस के क्वेश्चन भी कर लेना और 8.1 के क्वेश्चन भी कर लेना बच्चे बोल रहे है, आप उसको कर सकते एक आधा क्वेश्चन तो, uh, uh, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आपका बनने वाला है आज तक देखा नहीं गया भाई एक आधा क्वेश्चन तो था वो टेंजेंट और नॉर्मल वाला इसके अलावा आज तक देखा नहीं गया ए का डिफरेंशियल अगेन आई विल यू गो फॉर एनसीआर आप एनसीआरटी पढ़ो एनसीआर टी की मिसलेनियस करो विद एक्साम्पल्स करो मिसलेनियस uh, एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हर एक्सरसाइज की मिसलेनियस विद एक्साम्पल्स कर लो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं थर्टी प्लस आ जाएंगे ठीक है तो मिसलेनियस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर आते हैं हम वेक्टर्स वेक्टर्स पे vectors की मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर अगर आप एक्सरसाइज देखोगे ना दोनों एक्सरसाइज बहुत आसान है टेन पॉइंट टू टेन पॉइंट थ्री और टेन पॉइंट फोर वो अच्छी एक्सरसाइज है मतलब इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है मतलब आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो लेकिन आप जब मिसलेनियस पे आते हो ना वो जो पहले पेज है मिसलेनियस का उसके आखिरी के पांच क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन नंबर याद नहीं है शायद आई थिंक से लेके तक है दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना एग्जाम्पल करना एक वो बीटा वन प्लस बीटा टू वाला एग्जाम्पल उसके ऊपर वाला एक्साम्पल जिसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उससे पीछे वाला एग्जाम्पल मतलब लास्ट के तीन एग्जाम्पल दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ठीक है तो ये आ, ये वो चीज है मैं आपको टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग अपनी उस मेहनत को बेकार ना करो जो आपने पिछले चार पांच महीने में करी है PYQs लगा के अब यार ऐसा होगा जिन बच्चों ने दो तीन बार एनसीआरटी कर लिया वो लगा सकते हो जिनको ऐसा लगता है सर एनसीआर में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है जनाब एनसीआर कर लो पीवाई क्यूज छोड़ दो ठीक है एनसीआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीआर से आपका हंड्रेड पेपर होने वाला है इधर उधर नहीं होगा एक आधा क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड

11.3 पे आता हूं सिर्फ नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन वाला है नाइन टेंथ इलेवन क्वेश्चन है शायद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद मिसलेनियस जनाब भाई सबसे तगड़ी एक्सरसाइज है वो अगर वो सबसे तगड़ी एक्सरसाइज है तो उसको विद एग्जांपल्स कर लो ठीक है तो आपका वहां पे कंसेप्ट बन जाएगा मतलब बढ़िया तरीके से कंसेप्ट बन जाएगा हर कंसेप्ट के क्वेश्चन है मिसलेनियस में जितने पी क्यूज है ना सारे मिसलेनियस से बन के उठे हैं ठीक है आप कोई भी पीवाई उठा के देखना हर पीवाई क्यों आपको एनसीआरटी में मिलेगा उसका तो थ्री डी एक ऐसा चैप्टर है जिसकी हाईली चांसेस है एनसीआरटी से आने के लेकिन क्वेश्चन की सेंस समझ आनी चाहिए अगर आपकी क्वेश्चन की सेंस अच्छे से समझ आगे भी क्या कर रहे हैं वो क्वेश्चन में तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो बट डू रिमेंबर आपको थ्री समझना पड़ेगा रटना नहीं है लर्न नहीं करने है क्वेश्चन चीजों को समझना है ये चीज क्यों हो रही है कैसे हो रही है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए फिर आता है प्रोबेबिलिटी पे यार तो प्रॉबेबिलिटी तो आपको पता होगा बिट ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर है उसके अंदर बेस थ्योरम एनसीआरटी आने के चांसेस है और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना पूरे पूरे चांसेस है बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आएगा एंड दैट टू इज ऑफ ठीक है तो विद एक्साम्पल एनसीआर करना थर्टीन पॉइंट थ्री विद एक्साम्पल्स कर लो मिसलेनियस विद एक्साम्पल कर लो कोशिश करो प्रॉब्लिटी को पूरा कंप्लीट करो एनसीआरटी से क्योंकि एक प्रॉबलिटी है जो आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें है

इसके अराउंड अराउंड सारी चीजें आएंगी और फिर बता रहा हूं पेपर देने के बाद इसी वीडियो पे कमेंट करना क्या तुम्हारा 40 का से आया, कि नहीं आएगा चालीस नहीं होगा तो हो हो तो हो बातें समय ना खराब करते लगभग आधा दिन तो आज भी नहीं बचा अगर हम सेवन को सेवन की मॉर्निंग को काउंट करें तो बचा है एक दिन और पूरा दिन बचा है आधा दिन मॉर्निंग का हो गया आधा दिन इसकी अभी इवनिंग का हो गया तो ये हमारा जो हाफ डे है लग जाओ खोलो, फिर से NCRT पढ़ो अगर मैं पीवाई क्यूज की क्लास लेता हूं तो उस पी वाई क्यूज की क्लास को आप एक दो घंटे में लगा सकते हो ये जहां से भी जिस चैनल से भी आपने लगाने एक दो घंटे पीवाई क्यूज लगा लो ज्यादा पीवाई क्यूज मत लगाओ अब एनसीआरटी पे फोकस रखो अपनी एनसीआरटी स्ट्रांग करो कुछ बोलेंगे यार कुछ गलत समझ रहे होंगे मेरे को भाई सर पी क्यूज लगाने चाहिए हमें हमने तो एनसीआर कर ली जिन्होंने कर लिए तासे नाफिया ठीक है आपको अच्छे से एनसीआर आती है लगा सकते हो लेकिन एनसीआरटी अच्छे से नहीं आती गो फॉर एनसीआर ये टिप अपने दिमाग में बैठा लो भी हमें एनसीआर टी करनी है और ये मैं अभी तक जितने भी इंस्टाग्राम पे डीएम आए ना सभी बच्चों को ये बोला बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मैं कल एक बार एनसीआरटी और लगाओ बच्चे बोलते हैं सर पी वाई क्यूज कर लिए ये कर लिया वो कर लिया एन एन एनसीआरटी क्वेश्चन कर लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मैं कहा एक बार एनसीआरटी पर लगाओ अब मैंने आपको इससे वीडियो में ये भी बता दिया एनसीआरटी की कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है तो लग जाओ शुरू हो जाओ बढ़िया से और अपनी प्रिपरेशन को वेल एंड गुड बढ़िया तरीके से करके आना ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम कल दोबारा से एक आपको गुड विश कर देंगे थैंक यू सो मच और ऐसी राधिका क्लासेस को सपोर्ट करते रहना अपने जूनियर्स के साथ भी वीडियो शेयर कर देना आई थिंक uh, हम आखिरी कुछ दिनों में इस बैच के फिर आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन लेके आ रहे हैं जैसे सीयूटी की प्रिपरेशन होगी नीट की प्रिपरेशन होगी मीन्स की प्रिपरेशन होगी थैंक यू सो मच डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी पता लगे हमें आखिरी दिन में कैसे प्रिपेयर करना है थैंक यू सो मच